जो लोग ये सोच रहे थे कि बलौ करवा देने से, गंदी गंदी गालियां दे देने से, धमकी देने से ये डर जाएंगे, लेकिन एक सच्चा देशभक्त अपने दुश्मनों से कभी डरता नहीं है। हमें जरूर जवाब दीजिए, क्या सच्चाई दिखाना एक अपराध है, एक जुर्म है? आखिर क्या वजह है कि चैनल को ब्लॉक करवाया गया? वैसे तमाम लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने मुझे इस संकट के घड़ी में अपना साथ दिया और अपना समर्थन दिया। आप लोग लगातार ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर कोई न्यूज़ अपलोड क्यों नहीं हो रहा। आज हम इस मुद्दे पे बातचीत करेंगे और आपको पूरी सच्चाई बताने की कोशिश करेंगे। क्या सच दिखाना और सच बोलना एक अपराध है, एक जुर्म है, एक गुनाह है? आपको याद होगा 2020 में जब पूरे देश में लॉकडाउन लग गया था, जिसके चलते प्रवासी मजदूर लगातार बिहार आने लगे थे, हमारे पास लगभग 500 से अधिक प्रवासी मजदूरों का कॉल आया और उन्होंने कहा कि आप जो हमारी स्थिति है, किस हाल में हम लोग स्कूल में रह रहे हैं, आप हमारा हेल्प कीजिए। लगभग 100 क्वारंटाइन सेंटर में पहुंचा और वहां से ग्राउंड रिपोर्टिंग की और आप लोगों को सच्चाई दिखाने की कोशिश की। हमने आपको लगातार लगभग 20 से 30 पंचायतों का हमने आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाया कि आखिर नल जल योजना का बिहार में क्या हाल है, क्या वाकई गरीब लोगों को नल का जल मिल रहा है, इसकी सच्चाई दिखाई। हमने आपको इस कोरोना काल में सरकारी अस्पतालों का हाल दिखाया कि आखिर अस्पताल में कैसा स्थिति है, क्या कोविड के मरीजों का सरकारी अस्पताल में इलाज हो रहा है या नहीं हो रहा, क्या मेरा जुर्म यही है? क्या हमने लगातार आपको सच्चाई से रूबरू कराया? मेरा जुर्म और क्राइम यही है कि कुछ लोगों ने एक षड्यंत्र के तहत, एक साजिश के तहत एचओ न्यूज को ब्लॉक करवा दिया, लेकिन यहां तक वो लोग ब्लॉक ही नहीं करवाया बल्कि मुझे लगातार धमकियां दी जाने लगी। जो लोग एचओ न्यूज को ब्लॉक करवाने का काम किया और लगातार जो धमकी दे रहे हैं, उनको क्या लगता है कि आरिफ हयात डर जाएंगे और सच्चाई से रूबरू लोगों को नहीं कराएंगे? वैसे लोगों से मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि एक सच्चा देशभक्त आज तक किसी के सामने अपना सर नहीं झुकाया है, बल्कि अपने दुश्मनों को घुटना टेकने पर मजबूर किया है।